नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज का विशेषांक आप सभी के लिए बहुत ही अद्भुत होने वाला है, तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। इस विश्व में ना जाने कितने ही सफल व्यक्तित्व वाले लोग वास करते हैं और हम सब भी उन्हीं की तरह जीवन में सफल होने का निरंतर प्रयास करते रहते हैं और ईश्वर से सदैव अपनी सफलता के लिए प्रार्थना करते रहते हैं। जीवन में सफल होने के लिए आप सभी जानते हैं कि बहुत ही मेहनत लगती है। आपका पूरा जीवन आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। हम सभी अपने क्षमता अनुसार जितना भी प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करने में सदैव को सक्षम रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी मेहनत भी एक ना एक दिन रंग अवश्य लेकर आए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने का भी एक नियम होता है, या इस प्रश्न को हम इस प्रकार से ले सकते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए हमें कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और वे नियम हमारी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, ऐसा क्या कुछ हो सकता है जीवन में, और यदि ऐसा हो सकता है तो वह कितना महत्वपूर्ण है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, आप सबको एक बात तो अवश्य याद ही होगी कि हम जीवन में जिन भी व्यक्तियों का अनुसरण करते हैं सफल होने के लिए, उनके व्यक्तित्व को जानने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहते हैं। आपकी नजरों में यदि कोई सफल व्यक्ति है जो आपको लगता है कि वह एक सफल व्यक्तित्व की श्रेणी में आता है, तो उसकी सफलता के क्या क्या नियम रहे होंगे, उसने सफल होने के लिए क्या क्या कार्य किए होंगे, कैसे उसने उस सफलता को प्राप्त किया होगा, हम निरंतर इसी क्रम में सोचते रहते हैं और हम उसका अनुसरण करने के लिए उस सफल व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को देखते रहते हैं, प्रयास करते रहते हैं कि काश हम भी उसकी तरह सफलता प्राप्त कर सकें। अब एक छोटी सी घटना जो कि कैंची धाम पर ही आधारित है, श्री कैंची धाम से यह विशेषांक आपको बता रहा हूं। तो क्या होता है कि महाराज जी श्री कैंची धाम में विराजमान है, सायंकालीन बेला है, सूर्य अस्त होने वाला है, महाराज जी के साथ साथ दादा मुखर्जी भी विराजमान है। महाराज जी तख्त पर विराजमान है और दादा मुखर्जी महाराज जी के चरणों की तरफ बैठे हुए हैं और महाराज जी से वार्तालाप कर रहे हैं। तभी एकाएक महाराज जी एक ऐसी गूढ़ बात दादा मुखर्जी के सामने कहते हैं। महाराज जी कहते हैं, दादा क्या तुम जानते हो कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी हो जाता है कभी कभी। दादा मुखर्जी पूछते हैं, महाराज जी वो कैसे। महाराज जी कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थी इसलिए होता है क्योंकि वह ईश्वर से अपने सभी कार्य करवा लेता है, लेकिन ईश्वर को धन्यवाद करना सदैव भूल जाता है। महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ईश्वर वह परिपूर्ण शक्ति है, ईश्वर इतने परिपूर्ण हैं, इतने दयालु हैं कि अपने भक्तों की, अपने बच्चों की प्रत्येक बात मान लेते हैं। ऐसे मुस्कुराते हुए दादा मुखर्जी महाराज जी की उस बात को समझ लेते हैं। और इस बात से हम क्या सीख सकते हैं? वैसे तो महाराज जी ने विनोदपूर्ण भाव से इस बात को कहा था, लेकिन महाराज जी की प्रत्येक बात अकाट सत्य है। यदि महाराज जी की एक एक बात को आप गहराई से समझने का प्रयास करें तो आप निश्चित तौर पर जान पाएंगे कि महाराज जी का जो इशारा है, महाराज जी का जो इंगित है, महाराज जी किस ओर करना चाह रहे हैं। अब महाराज जी की बात पर यदि हम जोर डालते हैं तो महाराज जी कहते हैं कि जीवन में अगर हम एक आदत बना ले, देखिए वैसे तो हम सभी बड़े ही बुद्धिमान हैं, बहुत ही हमारे जो अनन्य दर्शक हैं वे बड़े ही चमत्कारिक हैं, महाराज जी की प्रत्येक बात का अनुसरण करते ही हैं। तो जीवन में यदि हम एक आदत बना लेते हैं, और वे आदत क्या होनी चाहिए, महाराज जी की बात को यदि हम थोड़ी गहराई से समझे, महाराज जी कहना चाहते हैं कि ईश्वर को सदैव धन्यवाद करते रहें। अब यह इतना चमत्कारी कार्य है कि इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसके लिए कोई आपको बहुत ही विशिष्ट पूजा विधि विधान करने की आवश्यकता नहीं है।
महज हृदय से धन्यवाद करना है। देखिए, जीवन में जो सफल व्यक्तित्व वाले जन हैं, उनके जीवन पर भी यदि आप थोड़ा सा प्रकाश डालें, जितनी मस्तियां हैं आज जिन्होंने अपने जीवन को एक पद तक पहुंचा दिया है, पद का अर्थ यहां पर है कि जिनका ऐसे बहुत से जन हैं, ऐसे बड़े ही वाले लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक मुकाम तक पाया है। और यदि आप उनकी सफलता का रहस्य अपने जीवन में लेकर आते हैं, वह रहस्य क्या है कि इन सभी सफलता वाले लोगों के जीवन में एक बात सामान्य होती है, यह होती है कि यह आसान है और ईश्वर को पग पग धन्यवाद अर्पित है। ईश्वर ये जन कभी नहीं भूलते, और यहीं पर हमारे जीवन का एक बहुत ही तीव्र मोड़ जन्म लेता है। वह तीव्र मोड़ क्या है? वह तीव्र मोड़ यह है कि यदि हम अपने पूरे दिनचर्या में ईश्वर को समय पर जो भी आपने प्राप्त किया है, जो अर्जित किया है, चाहे कुछ भी हो सकता है, एक हो सकता है, जवान जीवन हो सकता है, विद्यार्थी का जीवन हो सकता है, धन्यवाद अर्जित कर सकते हैं। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि प्रत्येक ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो धन्यवाद करने में असमर्थ हो, असक्षम हो। सारे जन, सर्वजन ईश्वर को धन्यवाद करने के लिए सक्षम है। जैसे उदाहरण तौर पर अगर हम देखें तो ईश्वर ने हमें यह दृष्टि, ये मुख दिया है, दृष्टि है ईश्वर को देखने के लिए, सत्कर्मों को करने के लिए, यह जीवन दी है ईश्वर नाम लेने के लिए, ईश्वर के श्री नाम को जपने के लिए, ऐसे ही बुद्धि दी है। सबसे बड़ा जो धन है वो यही तो है, बुद्धि दी है ईश्वर के विषय में सोचने के लिए, ईश्वर की कथाओं के विषय में जानकारी अर्जित करने के लिए। अनमोल जीवन दिया है, जीवन का कोई मोल नहीं हो सकता, जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन का कोई मोल नहीं लगाया जा सकता, यह जीवन अनमोल है। ईश्वर ने यह मनुष्य देह हमें दी है जो कि सभी देहों में, सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, ईश्वर की सबसे सर्वश्रेष्ठ कृति है मनुष्य जीवन। हम इस मनुष्य देह के लिए ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। और वैसे तो हमारे जीवन में आज हम जो कुछ भी हैं, जिस मुकाम पर भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिस परिस्थिति में हैं, हम इसके लिए भी ईश्वर को धन्यवाद कर सकते हैं। और ईश्वर को यदि हम सहृदय धन्यवाद करना शुरू करें, प्रारंभ करें आज से, अभी से, आप देखेंगे आपके जीवन में आपका दृष्टिकोण इतना सकारात्मक हो जाएगा, जीवन की कोई भी परेशानी आपको विशाल नहीं लगेगी। आज का जो जीवन है, यह जो कलयुग की जिस धरा पर आज हमने जन्म लिया है, इतना कूट नीति के साथ जन आज इस जीवन को जीते हैं, तो उस जीवन में भी यदि आज हम ईश्वर का ध्यान कर रहे हैं, ईश्वर की बातें कर रहे हैं, ईश्वर की लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं, तो हम बहुत विरले हैं। आज कितने जन हैं जो ईश्वर के बारे में जानने के लिए इच्छुक हैं? कितने जन ऐसे हैं जो धार्मिक कार्य कर रहे हैं, आध्यात्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं? इस कलयुग में ऐसे कितने प्रतिशत लोग होंगे? बहुत कम है। और जो जन इस कार्य में लगे हुए हैं, वह स्वयं को वैसे ही भाग्यवान समझना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर ऐसे इस कलयुग की धरा पर भी यदि ईश्वर के बारे में हम सोच रहे हैं, तो यह समझ लीजिए कि ईश्वर ने यह आश्वस्त कर दिया है आपको कि आपकी मुक्ति, आपका जो जीवन है, वह धन्य होने की कगार पर है। बस निर्णय आपके हैं, निर्णय आप कैसे लेते हैं, ईश्वर को कितना पहचानने का कार्य करते हैं, यह आपके ऊपर है। ईश्वर को जितना धन्यवाद किया जाए यह कम है, जितना भी हम ईश्वर को धन्यवाद करें यह कम है। और धन्यवाद करने से आपकी ऊर्जा सकारात्मक होती है, एक स्वस्थ शरीर में ही सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है, और जहां से आपके जीवन में सकारात्मक शब्द जुड़ गया, तो आप सोच लीजिए कि अब आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सकारात्मकता ही ईश्वर से आपको मिला सकती है। नकारात्मक तो बहुत कुछ है जीवन में, अगर नकारात्मक दृष्टिकोण रखें तो नकारात्मक तक तो ऐसी भी हो सकती है कि एक दिन बीत जाने पर
कई लोग ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो नकारात्मक लोग एक दिन बीत जाने पर यह शोक करते हैं कि हमारे जीवन से एक दिन कम हो गया। तो यह तो दृष्टिकोण है कि आप किस दृष्टि से अपने आप को देखते हैं, अपने जीवन को देखते हैं, अपने इर्द गिर्द के समाज को देखते हैं। वैसे देखा जाए तो सारा जीवन नकारात्मक है और वैसे देखा जाए तो सारी सृष्टि, सृष्टि का एक एक क्षीण कण भी सकारात्मक है। और जब से जीवन में सकारात्मकता जुड़ गई तो आप जानते ही हैं, आपका जीवन पलटने से, आपके भाग्य को परिवर्तन करने से कोई शक्ति आपको नहीं रोक सकती। और जो व्यक्ति ईश्वर का धन्यवाद करते हैं तो वह तो पहले ही खुद को सकारात्मक कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द के माहौल को सकारात्मक कर रहे हैं, और ऐसे ही जन तो ईश्वर को सबसे पहले प्राप्त करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी के विषय में कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी जिस गली से, जिस राह से, जिस परिवार से मिलते थे, जहां जहां से गुजरते थे, वह स्थान इतना पवित्र हो जाता था, पवित्र का अर्थ है इतना सकारात्मक हो जाता था कि सारी धरा, जहां जहां से उन्होंने अपने पग बढ़ाए हैं, जहां जहां उन्होंने कदम रखे हैं, वे सारा स्थान पवित्र हो गया। पावनता की एक और उदाहरण मैं आपको आज बताता हूं। आप सभी ने श्री रामायण जी का अध्ययन किया होगा, श्रवण किया होगा। श्री रामायण जी में भी एक व्याख्यान श्री राम जी के विषय में बताया गया है कि जहां पर श्री राम जी सबरी के धाम आते हैं, मां शबरी के यहां पधारते हैं, तो उनके पग जहां जहां पड़ते हैं, इतने पावन पग हैं मेरे प्रभु श्री राम के, जहां जहां उन्होंने पग रखे हैं वहां वहां स्वतः ही फूल बिछा दिए हैं मां शबरी ने। और वह फूल बिछाना तो एक लीला है। आज वह फूल भी धन्य है जहां पर श्री राम जी के पावन चरण पड़े हैं। तो श्री राम जी का यह पावन जो कथा है, यह श्री रामायण जी में आप सभी ने इसका श्रवण किया है, आप सभी ने श्री राम जी की लीला को सुना है। तो इसीलिए मैं आपसे प्रत्येक विशेषांक में कहता हूं कि जीवन में श्री राम जी के नाम को यदि आप जोड़ दें तो यह इतना बड़ा महामंत्र है कि आपका पूरा जीवन ही पावन हो जाएगा। जिस मनुष्य की देह ही पावन हो गई, जिस मनुष्य का एक एक अंग प्रत्यंग सब कुछ पावन हो गया, तो ऐसे व्यक्ति से कभी भूल हो ही नहीं सकती। और जिसका जीवन ही राममय हो गया श्री हनुमान जी की तरह, उस व्यक्ति को जीवन में सब चीज सुलभ हो जाती है, चाहे वे ज्ञान हो, चाहे वे अर्थ हो, चाहे वे कृपा हो, चाहे भाग्योदय हो, जो जो वह व्यक्ति चाहता है, श्री राम जी के नाम में इतना तेज है, इतना ओज है, इतनी शक्ति है, परम शक्ति है कि उस शक्ति से आप जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। और वैसे तो जब जीवन ही राममय हो गया तो कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जिसको यह श्री राम जी के नाम का अमूल्य रत्न, और यह अमूल्य रत्न जिसको प्राप्त हो गया, उसका पूरा जीवन ही धन्य हो गया। और जिस व्यक्ति का जीवन धन्य हो गया तो उसको और कुछ प्राप्त करने की कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। जब सब कुछ मिल गया, जैसे ज्ञानवान व्यक्ति जो ज्ञान की तलाश में रहता है, जब सर्वज्ञ हो गया तो सर्वज्ञता के अलावा इस जीवन में जानने योग्य कुछ है ही नहीं। तो जब आप परिपूर्ण ही हो जाएंगे तो आपके जीवन में त्रुटि ही नहीं है, और जब त्रुटि नहीं है तो फिर वह जीवन परिपूर्ण है। तो यह है वह गूढ़ बात, यह है वह रहस्य कि जीवन में ईश्वर को धन्यवाद करते रहिए। जो व्यक्ति धन्यवाद करने की श्रेणी में आ जाता है, उसका जीवन ही एक नई शक्ति, एक नए आयाम में पहुंच जाता है, जहां पर कुछ भी प्राप्त करना सक्षम है। और जब सब कुछ प्राप्त करना सुलभ हो जाए तो जीवन में कठिनाई ही कैसे है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर के नाम को जीवन में शामिल करिए, समय समय पर, प्रतिदिन। करना क्या है, एक बहुत छोटा सा कार्य करना है, पूरे दिन में जब भी आपको समय मिलता है, सहृदय ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आज जो भी मेरे पास, जो कुछ भी आपकी दया से है, कृपा दृष्टि से है, उस सब के लिए धन्यवाद। मेरे जीवन में आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। मैं अपनी जीवा से आपका नाम ले रहा हूं या ले रही हूं, तो इस नाम लेने के लिए, मेरी बुद्धि के लिए,
जो बुद्धि आपने मुझे दी है, जिस बुद्धि से मैं ये समझ के आपका नाम जाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ, उस सब के लिए धन्यवाद। और जब इस प्रकार से आप धन्यवाद देना शुरू करेंगे तो आपके पूरे शरीर की ऊर्जा सकारात्मक हो जाएगी। जहाँ भी आप जाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, प्रत्येक कार्य बनेगा। जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ पर आपका यश, आपकी कीर्ति का अलग ही ओज होगा। पूरा जीवन बदल जाएगा। एक छोटी सी आदत अपना के देखिए, जीवन में आप भी उन्हीं सफल व्यक्तियों के व्यक्तित्व के समान उन्हीं की श्रेणी में आपका नाम लिया जाएगा। सदा के लिए आप अमर हो जाएंगे। तो इसी कामना के साथ आज के इस विशेषांक से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।